प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करना। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेट एंड वाइल्ड के फोटो फोकस फाउंडेशन, जिसकी फिनिश हुई है। आपको पता है कि इसका जो मैट वर्जन है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ये भी काफ़ी सालों से बाजार में है, पर हमने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है एंड मैं नहीं ट्राई करना चाहती थी। मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा ऑयली किस्म की फिनिश आएगी, बट इसकी जो फिनिश है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नेचुरल किस्म की डुई है, जैसे आपके अंदर से ग्लो निकल के आ रहा है। जो शेड मैं यूज करने वाली हूँ वो है डेजर्ट बेज। ये दोनों ही फाउंडेशन डुई एंड मैट पे मेरा परफेक्ट मैच है। इतना ज्यादा परफेक्शन के साथ मैच होता है कि लगता ही नहीं है कि मैंने फाउंडेशन लगाया है। गले के साथ मेरी जो फेस की स्किन है बहुत अच्छी मैच होती है। सो इसमें 20+ शेड्स आपको मिल जाएंगे बाजार में। आप इसे अमेजोन से भी खरीद सकते हैं कन्वीनियंट, पर ये वॉलमार्ट और सुपर स्टोर में आपको अराउंड $9 में मिलेगा। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। एंड इसकी अदर खास बात है कि ये क्रूल्टी फ्री है, वीगन है एंड ग्लूटेन फ्री है, और इसमें मुझे लग रहा है कि सोया भी नहीं है। कई लोगों को इन चीजों से एलर्जी होती है तो फिर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। इतना अफोर्डेबल फाउंडेशन आपको इतनी ज्यादा चीजें दे रहा है तो और क्या चाहिए। सो मेरे चेहरे पे स्कार्स हैं, ये आपको पता है, एंड मुझे काफी ज्यादा अच्छी कवरेज चाहिए होती है उसको हाइड करने के लिए, एंड मैं नहीं चाहती कि मेरा फेस केकी लगे। सो ये मीडियम टू फुल कवरेज है, आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, पर एक ही बार के एप्लीकेशन में मेरे स्कार्स पूरी तरह गुम हो जाते हैं, लाइक पूरी तरह कवर हो जाते हैं, पूरी तरह हाइड हो जाते हैं। सो ये इस वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड डुई वर्जन को यूज करते हुए मुझे लेस देन हफ्ता ही हुआ है, पर आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो जो दोस्त हमेशा सर्च पे रहते हैं कि कोई अच्छा फाउंडेशन जो कि सस्ते प्राइस में मिले एंड उसकी इंग्रेडिएंट्स अच्छी हो, क्योंकि फाउंडेशन में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट्स अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्रेडिएंट्स अच्छी ना हो तो डर लगता है कि आप ब्रेकआउट नहीं करो, पिंपल्स नहीं आ जाए एंड आपकी स्किन नहीं खराब हो जाए, स्पेशली फाउंडेशन जो आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो। सो उसके चलते ये अच्छा है, अदरवाइज मेरी जो स्किन है बहुत सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, बहुत जल्दी से ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स इससे मुझे नहीं हुई है। सो इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। सो ये फाउंडेशन है फोटो फोकस, जो अगर आप फोटोग्राफी करते हैं और ये मेकअप आपने पहना है तो कोई भी फ्लैशबैक नहीं आएगा, आपका चेहरा चिट्टा नहीं लगेगा। यू नो, कई बार फोटोज में आपका चेहरा बहुत खराब आता है, ये स्पेशल उस चीज़ के लिए है। एंड ये हर तरह टेस्ट किया गया है कि आपकी पिक्चर्स में आपका मेकअप अलग से बिल्कुल मत दिखे एंड फ्लैशबैक ना हो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है ये फाउंडेशन की। आप फाउंडेशन लगा लेते हैं, इवेंट पे चले जाते हैं और जब फ्लैशबैक होता है आपका चेहरे से दूर से पता चल जाता है कि आपने मेकअप पहना है। सो स्पेशलिटी इसकी वो है। वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन ना आपको शॉपर्स ड्रग मार्ट में मिल जाता है, अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ओके, सो इट्स पे लिखा है कि अबाउट दिस प्रोडक्ट, योर स्किन ओनली बेटर। इसके बारे में है कि ये जो फाउंडेशन है आपकी स्किन को बेटर बना देता है। ये हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन है और इसको उन्होंने बहुत ज्यादा तरह टेस्ट किया है 7 डिफरेंट फोटो लाइटिंग कंडीशंस में, कि ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा पिक्चर परफेक्ट बना दे एंड नो फिल्टर काइंड की परफेक्शन आ जाए। सो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्लेम है जो हमें सबको चाहिए आजकल की ज़िंदगी में, क्योंकि हर टाइम फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं हम एंड अफोर्डेबल तो ये है ही। सो जल्दी से एप्लीकेशन करते हैं एंड आप देख पाएंगे कि कितना खूबसूरत तरीके से ये ब्लेंड होता है। फाउंडेशन को लेंगे एंड अच्छी तरह शेक कर लेंगे, क्योंकि इंग्रेडिएंट का मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाउंडेशन की प्रॉब्लम है कि इसमें पंप नहीं है, पर प्राइस ऐसा है तो कुछ भी चलेगा। तो ये कुछ इस तरह एप्लीकेटर है इसमें। सो ये डायरेक्ट मैं मेरी स्किन पे लगा लूँगी, पर ये है कि आप अपने हैंड से टच नहीं करते हैं। सो जितना भी इसमें है वो सारा हम फेस पे डॉट्स में लगा देते हैं। सबसे पहले इस फाउंडेशन का कलर मैच ऐसा है मेरी स्किन पे, काफी ज्यादा अच्छा कलर मैच। सो हम फ्लैट ब्रश लेंगे, ये है सिमोर की मेकअप ब्रशेस से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे पास मेकअप ब्रशेस की बहुत प्यारी सी किट है जिसमें सारे ब्रशेस हैं जो भी आपको चाहिए मेकअप के फुल एप्लीकेशन के लिए। सो ये प्यारा अच्छा फ्लैट कबूक की किस्म का ब्रश है। मुझे ऐसे फ्लैट डेंस ब्रशेस बहुत अच्छे लगते हैं मेकअप एप्लीकेशन के लिए, स्पेशली फाउंडेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी कवरेज देते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे स्कार्स हैं, इसके एप्लीकेशन से बहुत अच्छी कवरेज आएगी एंड फ्लॉलेस लगेगा फेस। ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा काम करता है, पर वो इतना ज्यादा प्रोडक्ट सोख लेता है कि आपको शीयर फिनिश मिलती है एंड प्रोडक्ट वेस्ट भी होता है, एंड देन उसको क्लीन करना एंड ऑल दैट हैसल। सो या
बहुत प्रोडक्ट वेस्ट होता है वैसे तरीके से, पर आप वो भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कम प्रोडक्ट की जरूरत है। तो ये ब्रश लेके हम डबिंग मोशन में हमारा फाउंडेशन ब्लेंड करना शुरू करेंगे। कार एरिया पे हमें ज्यादा कवरेज की जरूरत है तो वहां पे लिटिल एक्स्ट्रा। फाउंडेशन की अलग से एक सेंट है जो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम से बेटर है, जो इनका मैट फिनिश वाला है, पर या इट्स स्टिल देयर। अगर आपको सेंट बहुत ज्यादा बॉदर करती है तो ये कंसर्न हो सकता है आपका, बट इतनी ज्यादा नहीं है। सो डबिंग मोशन में सारे फेस पे हम इवनली फाउंडेशन लगा लेंगे। कल मेरी चिन में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई है, कुछ ना कुछ उस पे बम पर निकला ही रहता। वैसे ओवरऑल पिंपल एंड एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट चिन पे कोई ना कोई पेनफुल बम्प आ जाता है हेयर देयर। फाउंडेशन ने लाइट रिफ्लेक्ट शुरू कर दिया काइंड ऑफ। एक बार का फाउंडेशन एप्लीकेशन कुछ इस तरह का लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छी कवरेज है एंड ये मीडियम टू फुल है। आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन के मेथड पे डिपेंड करता है। सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस फॉर एवरी डे काइंड ऑफ यूज, क्योंकि अगर मुझे ज्यादा फुल कवरेज एंड पार्टी वेयर चाहिए या लॉन्ग लास्टिंग पूरे दिन के लिए ग्लैम लुक चाहिए तो मैं एक बार और लगा सकती हूँ, बट मुझे थोड़ा नेचुरल शेयर फिनिश चाहिए तो एक बार का इनफ है। एंड ये कलर मैच इतना अच्छा है तो मुझे गर्दन पे ज्यादा प्रोडक्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छा मैच हो रहा है मेरी गर्दन के साथ। सो इसको सेट करने के लिए मैं कैटरीज का लूज पाउडर ही यूज करूंगी। सेट करने से पहले मैं मेरे चेहरे को लिटिल बिट हाईलाइट करना चाहूंगी। एल्फ का कंसीलर यूज कर रही हूँ मैं, इसका शेड है मीडियम सैंड, बहुत ज्यादा लाइट शेड नहीं है ये, बहुत कम अमाउंट में ही लगाएंगे हम सेम ब्रश के साथ डबिंग मोशन में। सो फाउंडेशन को सेट करने के लिए कैटरीज का लूज पाउडर बहुत हल्के हैंड से लेंगे एंड हमारे फेस को सेट कर लेंगे। एंड आपको बाकी का फेस मेकअप एंड आई मेकअप करने के बाद मिलती हूँ मैं। सो फाउंडेशन का एप्लीकेशन कुछ इस तरह का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कवरेज है एंड फिनिश भी बहुत ज़्यादा डूई नहीं है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और अगर आपकी ऑयली स्किन पे ऑयली दिखने वाला फाउंडेशन लगाएं तो अजीब सा लगता है, पर ये अच्छा नेचुरली डूई है, ओवर द टॉप डूई फाउंडेशन नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी एज अ ऑयल स्किन गर्ल, पर अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है एंड मिक्स ऑफ बोथ है तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी फिनिश। ऑल राइट प्यारे दोस्तों, तो मेरी तरफ से इस फाउंडेशन को बिग ये है अफोर्डेबिलिटी, अच्छी इंग्रेडिएंट्स, क्रूल्टी फ्री एंड कवरेज बहुत अच्छी देता है एंड फिनिश बहुत अच्छी देता है एंड आपकी कवरेज बहुत अच्छी देता है, फिनिश बहुत अच्छी देता है एंड लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है एंड आपकी जेब पे भी अच्छा है। सो ये मेरे प्यारे प्यारे रिव्यूज है। अगर आप ये फाउंडेशन को ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर से बताना, अगर आपने ये ट्राई करना है इस वीडियो के बाद तब भी बताना। बाय द वे ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं सिर्फ अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि यू नो आप भी वो चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ। एक और चीज़ बताना भूल गई, ये प्यारी सी ज्वेलरी जो मैंने पहन के रखी है ये मेरे स्टोर में से है। सो ये है 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी एंड हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स है, ये टार्निश प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी की रीजनेबल प्राइस पे है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाएँ खरीदें एंड अपनी कलेक्शन में ऐड कर लें। आपकी लुक को कम्प्लीट करने के लिए आपको एक्सेसरीज ज़रूर से चाहिए होती हैं एंड ये जो वो वाले पीसेज हैं जो टाइमलेस हैं, आप लंबे समय तक पहन सकते हैं एंड बिकॉज इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। सो यस दोस्तों, आपको जल्दी मिलती हूँ, अपना ख्याल रखें, लव यू गाइस सो वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को लाइक भी करना अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो। बाय। एंड अगर आपके पास कोई अच्छा फाउंडेशन है ड्रग स्टोर, मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।